छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का सबसे अच्छा सीआरसी सेंटर बना है। कृत्रिम अंग की मांग को लेकर दिव्यांगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। वे कृत्रिम अंग पाने के लिए अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा कृत्रिम अंग वितरित करने के लिए बजट अलॉट किया जाएगा, तब दिव्यांगों को अंग वितरित किए जाएंगे। पंजीकरण करवाने के लिए दिव्यांगों के पास सरकार द्वारा जारी 40% या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी रहेगा। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। बर्थडे क्या है, प्रेम में आ रहे हैं सब लोग। बर्थडे कोई फंक्शन इस प्रकार का नहीं है, कवि सम्मेलन है, उसमें सम्मिलित होंगे। राजनीति से हटके कभी सोच नहीं हो सकती, राजनीति से हटके ही कल्पना होना चाहिए। अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मगर जिस बात को टीएससी ने कहा कि राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए, इतना तो उनको समझ खुद है और खुद बोलते हैं। देखिए, अब उसकी कोई पहचान है, उस पहचान को छुपाना कठिन होता है पुलिस वालों को भी, तो उन्होंने प्रकट कर दिया। मगर इसमें कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस इन्वॉल्व है। वो व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ होगा अलग बात है, पर पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करने कोई विषय नहीं। और जन्मदिन का केक पहला काटा, राजनांदगांव ने नाम दिया, पहचान दिया, सम्मान दिया, और यहाँ जो मैं आज खड़ा हूँ उसका गौरव को पूर्ण स्थान यदि दिया है तो राजनांदगांव के लोगों ने दिया है। मेरा जन्म तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 15 तारीख को मनाते हैं। मेरी पैदाइशी कवर्धा के गांव में हुई, ठाटापुर में, मगर मेरा पुनर्जन्म हुआ और राजनीतिक दृष्टि से मेरी पहचान यदि किसी क्षेत्र ने बनाया तो राजनांदगांव है। तो मैं यहाँ के निवासियों को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर रमन का को जो सम्मान मिला है उनकी वजह से, और आज आप लोगों ने सबने यहाँ उपस्थितों के स्वागत किया, धन्यवाद।